अपने बैंक खाते यानी बैंक सेविंग्स अकाउंट पर वसूले जा रहे अनाप शनाप चार्ज और मिनिमम बैलेंस रखने के सख्त नियम से क्या आप भी परेशान हैं? तो आपके लिए एक अनोखा सेविंग्स अकाउंट शुरू किया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अंत तक देखेंगे क्योंकि ये आपके फायदे का वीडियो है। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दरअसल देश का प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने करोड़ों बैंक खाताधारकों को तोहफा दिया है। बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट नाम से एक अनोखा सेविंग्स अकाउंट सुविधा शुरू किया है जो कि बैंक के मौजूदा सेविंग्स अकाउंट से एकदम अलग है और अनोखा है। इसके फायदे गजब के हैं, आप भी फायदा जानकर हैरान रह जाएंगे। चलिए जानते हैं इसके फायदे। तो एक्सिस बैंक द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे इस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वहीं आप फ्री में डेबिट कार्ड के अलावा अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर चेकबुक और कैश ट्रांजैक्शन का लिमिट से अधिक यूज करने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि बैंक के पहले से चले आ रहे सेविंग्स अकाउंट पर ग्राहकों से तरह तरह का चार्ज लिया जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि बैंक के पहले से चले आ रहे सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने पर कितना चार्ज देना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सिस बैंक का जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत की गई है उसके बारे में। यह सेविंग्स अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि इसके लिए बैंक आपसे मंथली और ईयरली बेसिस पर कुछ रुपये चार्ज करेगा। इसके बदले आपको ढेर सारी सुविधा का लाभ मिलेगा। सवाल है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है? सेविंग्स अकाउंट के मामले में तो इस मॉडल का नाम पहली बार सामने आ रहा है। तो बैंक के ग्राहक लॉन्च हुए इस नए सेविंग्स अकाउंट में वीडियो केवाईसी के जरिए डिजिटल खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा बैंक दो सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफर करता है जिसमें एक मंथली है और दूसरा ईयरली है। मंथली सब्सक्रिप्शन में बैंक आपसे 30 दिनों में जीएसटी से 150 रूपये चार्ज करेगा, जबकि ईयरली सब्सक्रिप्शन में बैंक 360 दिन के लिए आपसे 1,650 रूपये का चार्ज करेगा। अवधि खत्म होने के बाद यह प्लान अपने आप नवीनीकृत यानी रिन्यू हो जाएगा। हालांकि इस अकाउंट को खुलवाने की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे न्यूनतम आहरण अवधि यानी साइन अप पीरियड 6 माह है, जबकि प्रारंभिक निधि के तौर पर 5,000 रूपये की जरूरत पड़ती है। सवाल है कि यह सेविंग्स अकाउंट किन लोगों को फायदा पहुंचाएगा? यह अभिनव बैंकिंग उत्पाद उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो सभी घरेलू शुल्कों को समाप्त करके चिंता मुक्त बैंकिंग अनुभव चाहते हैं, जिससे पारदर्शी बैंकिंग सुनिश्चित होती है। यह उत्पाद ग्राहकों को देश भर में किसी भी एटीएम तक असीमित पहुंच और अतिरिक्त शुल्क के बारे में चिंताओं से मुक्त होकर किसी भी शेष राशि को बनाए रखने की लचीलापन प्रदान करके बैंकिंग में पारदर्शिता को फिर से परिभाषित करता है। यह ग्राहक की सच्ची स्वतंत्रता और निर्बाध बैंकिंग अनुभव को सशक्त बनाएगा। ग्राहक एक्सिस बैंक ग्रैब डील्स प्लेटफॉर्म पर कैशबैक जैसे कई अतिरिक्त लाभों का भी आनंद ले सकते हैं, जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे 30 से अधिक भागीदार हैं। इसके अलावा ग्राहकों को ई डेबिट कार्ड का उपयोग करके किए गए सभी लेन देन पर 1% कैशबैक मिलेगा। साथ ही अन्य सभी डेबिट कार्ड से जुड़े लाभ भी मिलेंगे, जैसे 30 दिनों के भीतर डेबिट कार्ड के उपयोग पर 500 रूपये का ग्रैब डील वाउचर, ईजी पर 500 रूपये तक 15% की छूट, ऑनलाइन रिवार्ड के साथ साथ डिनर और बहुत कुछ मिलेगा इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट के साथ, जिसको कि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। इस पर मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट नहीं है और बहुत सारे चार्ज से मुक्ति मिलेगी। चलिए जान लेते हैं कि एक्सिस बैंक के पहले से चले आ रहे सेविंग्स अकाउंट पर लगने वाले अलग अलग चार्ज के बारे में। मेट्रो के सभी स्थानों पर आवश्यक औसत बैलेंस 12,000 रूपये रखने होंगे, शहरी इलाकों में भी 12,000, अर्ध शहरी इलाकों में 5,000 और ग्रामीण इलाकों में 2,500 रूपये मिनिमम बैलेंस रखने जरूरी है अगर आप चार्ज यानी जुर्माना नहीं चुकाना चाहते हैं तब। मेट्रो इलाकों में आवश्यक औसत मासिक शेष यानी AMB 12,000 रूपये की रकम है। मेट्रो इलाकों में औसत शेष बनाए नहीं रखने पर शुल्क है AMB यानी औसत मासिक शेष आवश्यकता से 6 रूपया प्रति 100 रूपये की कमी पर, या फिर 600 रूपये इनमें से जो भी कम हो। शहरी इलाकों में आवश्यक औसत मासिक शेष राशि 12,000 रूपये है और इन इलाकों में औसत शेष राशि नहीं बनाए रखने पर
शुल्क है AMD यानी औसत मासिक शेष आवश्यकता से 6 रुपया प्रति 100 रुपये की कमी या फिर 600 रुपये, इनमें से जो भी कम हो वो जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा आपसे और GST भी देना पड़ेगा। आज शहरी इलाकों में आवश्यक औसत मासिक शेष रकम है 5,000 रुपये। इन इलाकों में औसत शेष बनाए नहीं रखने पर शुल्क देना होगा। AMD यानी औसत मासिक शेष आवश्यकता से 6 रुपया प्रति 100 रुपये की कमी पर या फिर 300 रुपया, जो भी दोनों में से कम हो वह। ग्रामीण इलाकों में आवश्यक औसत मासिक शेष 2,500 रुपये है और इन इलाकों में औसत शेष बनाए नहीं रखने पर शुल्क देना होगा। AMD यानी औसत मासिक शेष आवश्यकता से 6 रुपये प्रति 100 रुपये की कमी पर या फिर 150 रुपये, इनमें से जो भी कम हो। चार्ज पर 18% का GST भी देना होगा। प्राथमिक कार्ड जारी करने पर 300 रुपये का शुल्क देना होगा। वार्षिक शुल्क के तौर पर 300 रुपये देने होंगे। संयुक्त कार्ड जारी करने पर शुल्क है 200 रुपये और संयुक्त कार्ड का वार्षिक शुल्क है 200 रुपये। मेरा डिजाइन कार्ड जारी करने की लागत है 250 रुपये प्लस GST। खाता बंद करने का शुल्क है 500 रुपये। आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक के जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है उसमें बैंक में जाकर के अगर आप लेन देन करते हैं तो 15 लेन देन मुफ्त है और उसके बाद 75 रुपये प्रति लेन देन का शुल्क लगाया जाएगा। और ये जो ब्रांच में जाकर के जो लेन देन करेंगे उसमें कैश के साथ साथ आउटवर्ड क्लियरिंग, फंड ट्रांसफर, RTGS या NEFT और प्रेषण शामिल है। यदि खाता 14 दिनों से 1 वर्ष के बीच बंद किया जाता है तो शुल्क लगाया जाता है। खाता खोलने के 14 दिन के भीतर या 1 साल के बाद खाता बंद करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो ऊपर दिए गए सभी शुल्क पर लागू GST अतिरिक्त होगा। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन इस वीडियो से संबंधित या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रतिक्रिया दें। आपके चैनल को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसके बारे में सुझाव स्वागत योग्य है। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।